नमस्कार जी, मैं परवीन अहलावत। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर टीवी। आप सभी जानते हैं कि टिकट वितरण में भी, विधानसभा चुनाव में भी अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है। ऐसे में हम उन मेन लीडर्स को जनता के सामने ला रहे हैं। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि अगर ये आपके प्रतिनिधि बनकर आते हैं, पार्टी ने टिकट देती है, तो ये मोटो, ये विजन इनका हो सकता है। सारी बातें बारीकी से पूछेंगे ताकि जनता कल को ये ना पछताए कि हमने इनको गलत चुन लिया है। तो कांता देवी हैं जी, बड़ी टिकट की प्रबल दावेदार भी हैं, उनसे सारी बातें हम हैं बारीकियों से निकलवाने की कोशिश करेंगे। मैम स्वागत है सबसे पहले तो आपका। धन्यवाद आपको प्रवीण सर, कीजिए शुरुआत। मैडम सबसे पहले तो हम आपको बधाई देना चाहेंगे कि जो मुख्यमंत्री जी की जन आशीर्वाद यात्रा थी, उसमें आपने जो कार्यक्रम करवाया, उससे मुख्यमंत्री महोदय और आपकी पार्टी के आलाकमान के जो नेता थे वो काफ़ी गदगद हमें नज़र आए। तो सबसे पहले तो उसके लिए हम आपको मुबारकबाद देते हैं। धन्यवाद भाई वीरेंद्र जी। मैडम झज्जर के काफ़ी सीनियर मोस्ट नेताओं में आप हैं, हाँ जी, उस दृष्टि से आप झज्जर शहर के लोगों के बारे में और झज्जर के विकास के बारे में अब तक जो हुआ है क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे झज्जर शहर और साथ ही मैं कहूँगी झज्जर विधानसभा, हमारे यहाँ के लोग बहुत शांति प्रिय लोग हैं और अच्छे स्वभाव के हैं और अच्छे से निर्णय भी लेते हैं। और जहाँ तक विकास की बात है तो इन 5 सालों में हमारे झज्जर विधानसभा का विकास भी हुआ है। लेकिन जो एक MLA बनने के बाद में जो MLA जो अपनी समस्याएं जो विधानसभा में जाके उठाते हैं वो उठा नहीं पाए, जिसकी वजह से जितना काम होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। लेकिन मैं ये कहूँगी कि जो 90 के 90 विधानसभा हमारे काम हुए उसके तहत हमारे विधानसभा में काम ज़रूर हुआ है जी। आपको मैम क्यों लगता है कि अगर आप प्रतिनिधित्व करते हो तो जो अब तक की हालिया स्थिति है आप उसमें बदलाव ला पाओगे, नयापन ला पाओगे क्षेत्र के विकास में, क्यों लगता है आपको? बिल्कुल, क्योंकि मैं 20 सालों से यहाँ पर अपने झज्जर हलके में काम देख रही हूँ और 20 साल में जो है दिन रात मैंने यहाँ पर लोगों से संपर्क किया है। बल्कि मैं तो ये कहूँगी मैंने इतने दिनों में इतनी सड़कें नाप दी है पूरे हल्के में घूम घूम करके और लोगों की एक एक समस्या को मैं जानती हूँ, हर गाँव की समस्या को मैं अच्छे से जानती हूँ। और मेरे को पास एक विजन भी है किस गांव में क्या समस्या, उसको कैसे हम हल करेंगे। तो अगर पार्टी संगठन मुझे मौका देती है तो ये निश्चित तौर पर है कि कमल का फूल इस बार हमारे विधानसभा में जरूर खिलेगा जी। और अगर टिकट देती है तो निश्चित तौर पर MLA बनेंगे और जो मेरे सामने समस्याएं पहले से आती रही है उनको हम निवारण अवश्य करेंगे। बिल्कुल, पहले पार्टी मौका देगी फिर जनता मौका देगी। हाँ जी सर। मैडम आप इत्तेफाकन आपका राजनीति में आगमन हुआ, हाँ जी, आपके पिताजी 1996 में हरियाणा विकास पार्टी से यहाँ से विधायक चुने गए, उनका काफी सरल स्वभाव था, जैसा उनके बारे में हमें लोगों से जाना तो पता चला काफी मिलनसार थे, बड़े शरीफ थे, एक झज्जर के प्रति उनका एक अलग से विकास का विजन था। लेकिन बदकिस्मती से वो अपना कार्यकाल नहीं कर पाए और उसके बाद जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें आपको मौका मिला, तो इसमें आप इत्तेफाकन राजनीति में आए और आप उस समय इतने परिपक्व राजनीति में नहीं थे, फिर भी आपको एक अहम जिम्मेवारी एक मंत्रालय मंत्री पद की मिली और आपने उस समय अपने मंत्रित्व काल में झज्जर क्षेत्र के अंदर क्या क्या विकास कार्य किए? देखिए, उस टाइम जैसे कि आपने बताया कि मैं इत्तेफाकन ही आई थी, मेरे पिताजी ने कर्नल राम प्रकाश दिया उस टाइम MLA चुने गए थे और वो मंत्री की शपथ लेने जा रहे थे, तो दुर्घटनावश उनकी दुर्घटना हुई। इस बात का हमें तो खैर दुख था ही था परिवार के नाते से, लेकिन पूरे झज्जर विधानसभा को भी बहुत ज़्यादा दुख था क्योंकि लोगों में एक उम्मीद थी कि ये हमारे झज्जर हलके का विकास करा पाएंगे, जो नहीं हो पाया। फिर उसके बाद उपचुनाव आया तो चौधरी बंसीलाल जी ने टिकट दी और जनता ने भारी बहुमत से हमें जिताया और चेयरमैन बनाया, बाद में मंत्रालय भी हमें सौंपा, जिसके तहत हमने यहाँ अनेकों काम कराए, जिसके जो कि अभी आप देख रहे होंगे कि अपना जो पुराना बस अड्डा जिसको हम कहते हैं जो नया अड्डा वहाँ शिफ्ट किया, इधर से लेकर के अपने बाईपास जो है जो दिल्ली रोड तक जाता है वो पूरे बड़े बड़े गड्ढे हुआ करते थे, मुझे आज भी याद है। तो जब मैं इनका एस्टीमेट लेकर के चौधरी बंसीलाल जी के पास गई थी तो 7 सड़कें थी उस टाइम पर, तो उन्होंने ये कहा था कि ठीक हम 7 सड़कें बना देंगे, तो मैंने ये कहा था जी सड़कों के साथ साथ साइड में नाले भी बनवाने हैं मुझे ताकि कल को बारिश आए तो सड़कें टूटे नहीं। तो कहने लगे कांता नाले तो नहीं बनेगी इतने उसमें पैसे में, मैंने कहा चाहे ये एक सड़क कम कर दो लेकिन नाले जरूर बनाओ ताकि ये दिक्कत ना आए। तो मुझे खुशी इस बात की 7 सड़कें ही बनी और हमारे जो नाले जो हमने रखा था वो भी उसका भी विकास हुआ, मतलब सारे नाले भी बने, सड़कें भी बने। और झज्जर शहर में जो हमारा गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जिसमें मैंने
पढ़ा था शुरू में, चौथी क्लास तक मैं यहीं पढ़ी थी, तो उस टाइम तक ये मतलब मैट्रिक तक ही स्कूल था, जबकि किसी ने मेरे सामने समस्या भी नहीं रखी, ना किसी ने बताया था। जब अपग्रेडेशन की बात आई तो मुझे ध्यान आया, तो मुझे ऐसे लगा कि शायद ये हो रखा होगा। मैंने कहा ये तो अपना हो ही रखा जज्जर वाला, तो गांव वाला देखते बोले नहीं जज्जर के शहर का तो स्कूल अपग्रेडेशन नहीं हुआ है। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि जब से ये मैट्रिक तक का ही चला आ रहा है, तो मैंने उसको फर्स्ट पहली कलम से मैंने कहा सज्जर हमारे शहर का जो स्कूल है इसको अपग्रेड करके प्लस टू का स्कूल करवाई। मतलब इस तरह के अनेकों काम हमने। एक बात मैडम शायद भूल गए कि झज्जर को जो सबसे बड़ी सौगात मनकुल सिंह और आपने जो दिलाई उसका जिक्र करना भूल गए, खुद की उपलब्धियों को भूल गए। देखिए जो जिला जो बनाया था वो तो बहुत बड़ा एक मतलब ऐतिहासिक कदम था, इस बात की शहर में चलती है। हाँ बिल्कुल ऐतिहासिक कदम था, बहुत बड़ा काम हमने करवाया था। लेकिन ये ना बहुत पुरानी बात जाती है, लेकिन बात ये है कि जो काम का है पता है महत्व कितना होता है। जिले का महत्व तो मतलब जो ग्रांट हमें नहीं मिला करते थे, जिला बनने के बाद सारी ग्रांट इधर रही, सेक्टर भी बना है, सारी चीज आप देख रहे हो। अब एक तरह से हमारा झज्जर जिला बहुत एक उभर के आ रहा है, बहुत अच्छा मतलब विकास हो रहा है, तो बड़ी उपलब्धि थी। हाँ जी मैडम, आप एक ये बताइए कि 1996 में आपने राजनीति में कदम रखा, आज 2019 है, हाँ जी, तो बहुत सारा बदलाव राजनीति में आया, तो पहले के दौर में और आज के दौर में आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या बदलाव मुख्य रूप से आया? वो समय अच्छा था राजनीति के लिए, ये ठीक है? देखिए हर समय की अपनी अपनी बात रहती है, तो उस वक्त में आज के वक्त में बदलाव है, लेकिन बहुत ज़्यादा बदलाव भी हम नहीं देखते लोगों में। पहले थोड़ा सा ये रहता था कि भाई जैसे एक गांव में गए कि बुजुर्ग ने कह दिया, मुखिया ने कह दिया भी हमारी वोट है, गली में एक मुखिया ने कह दिया वो सारी वोट चली जाती थी, लेकिन अब वो बात नहीं है। अब हर व्यक्ति इवन जो महिलाएं हैं वो भी अपनी सोच रखती है, वो भी कहती है कि जो हमें पसंद आएगा हम उसी को ही वोट देंगे, जो हमारी समस्या जवाबदेह ज़्यादा हो गई। हाँ मतलब जवाबदेह लोग समझते हैं कि हमारी वोट जो है एक इसका बहुत महत्व है, ऐसे नहीं कि हम किसी को वोट दे दें, तो उस बात का भी है। और कार्यकर्ता भी अपने पहले तो इस ढंग से काम करते थे, भी ठीक है काम कर दिया अपने, काम का भी नहीं होता था, लेकिन अब जो है कार्यकर्ता भी मुखर होकर चल रहे हैं, और जनता में देखो वक्त के साथ हर चीज़ में बदलाव आता ही है। मेरा अगला प्रश्न ये है कि भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री जी कई मंचों से कह चुके हैं कि एक अनार सौ बीमार वाली बात है, टिकटार्थी अनेक हैं, टिकट एक को मिलेगा। कई बार मंच के ऊपर जब भीड़ ज्यादा हो जाती है तो मंच का खुद का भी ढहने का खतरा नहीं हो जाता है? नहीं इतनी भीड़ मंच पे नहीं होती, क्योंकि पहले से ही रहता है कौन टिकटार्थियों की भीड़, टिकटार्थियों से भीड़ होती है, और ये तो अच्छी बात मैं मानती हूँ कि भाई टिकटार्थियों की भीड़ है, और खाली खाली मंच रहेगा तो उसको कौन पूछेगा। अच्छा तो अच्छी बात है, मैं तो मानती हूँ कंपटीशन अच्छी बात है, क्योंकि आएंगे अच्छा लगेगा जब भी वो हमारे पास आएंगे, और जो आज इतनी भीड़ है हमारे पास जो टिकटार्थियों की लगाओ और जनता की है वो एक अच्छी बात है कि हेल्दी कंपटीशन। पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता मैडम एक बात सोच रही है कि चुनाव जीतने से ज्यादा मुश्किल आज भारतीय जनता पार्टी की टिकट पाना है। बिल्कुल बिल्कुल देखिए जब गारंटी बीजेपी की टिकट। हाँ जी ये तो अवश्य है, ये पक्का है कि जीतने की गारंटी बीजेपी की टिकट, और 75 नहीं बल्कि जनता तो ये कहती है कि हम तो 85 पार भेजेंगे इस बार, जो पहला पुराना रिकॉर्ड है उसको भी तोड़ के भेजेंगे। तो अपने टिकट के प्रति मैडम कितनी आश्वस्त है? देखिए जो मैं अपने आप को मानती हूँ, क्योंकि 20 साल से मैं यहाँ हल्के में काम कर रही हूँ, लोगों में एक समस्याओं को जाना है, आना जाना भी रहा है, सुख दुख में शामिल हुई हूँ, और पार्टी ने जो भी काम दिया संगठन ने उसमें निष्ठापूर्वक हमने काम किया है, तो इस नाते से मैं मानती हूँ कि भाई मेरा ज़्यादा बनता है। एक चीज़ ये भी होती है मैम कि जो आलाकमान होती है वो जनता की नब्ज़ को भी देखते हैं कि जनता किसे अपना चहेता मानती हैं, किसको चाहती हैं, तो उसमें कितना खरा उतरती है कि जज क्षेत्र की जनता क्या ये दिखेगा आलाकमान को जज क्षेत्र की जनता आपको चाहती हैं? देखिए अपनी पार्टी जो है हर तरीके से सर्वे भी करवाती है, हर तरीके से जनता में जाके पूछती भी आप किसके नज़दीक है, कौन आपको अच्छा लगता है, कि कौन किसकी सोच है आपके काम कराने की, कौन आपको सही ढंग से समझता है, तो पार्टी अपने स्तर पर करवाती है, और मुझे ये विश्वास है कि पार्टी ने जो कराया है तो उसमें नंबर वन हमारा ही रहने वाला है। हमारे सूत्रों के अनुसार भी मैडम जो हमारे पास खबर है वो भी ये है कि आप नंबर वन पे अभी चल रही है, केवल 3 नामों पर चर्चा ज़्यादा चल रही है। धन्यवाद। उसमें आपका जो हमारे सूत्र है वो बताते हैं कि
फर्स्ट पहले नंबर पे आप हैं। धन्यवाद। अगर आपको पार्टी मौका देती है, जनता मौका देती है, कोई दो ऐसे काम जो आप सबसे पहले चेंजर में प्रायोरिटी के आधार पर करवाना चाहेंगे? देखिए, एक तो सबसे पहले मैं जो काम कराना चाहूँगी, मैंने देखा कि हमारे झज्जर हल्के में कई गांव में, शहर की मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि शहर में हमारे पानी की समस्या ठीक है, और गांव में जो है कई गांव में पानी की समस्या हमारी काफ़ी ख़राब है। उसको लेकर के मैं काम करूँगी कि भाई पानी को, क्योंकि हर व्यक्ति को अपना पानी, स्वच्छ पानी पीने को मिलना चाहिए, और साथ में कि हम पानी को बेकार ना जाए उसके लिए भी हम कुछ करेंगे कि जो, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है जल को बचाना चाहिए और ये आज के आवश्यकता भी है आज के समय अनुसार, तो उस पर भी काम करेंगे। दूसरा क्यों, जो हेल्थ है, शिक्षा और हेल्थ है, तो उसके ऊपर भी हेल्थ में कहीं पर अपने पीएचसी वगैरह, सीएचसी वगैरह है, कहीं अगर कोई इक्विपमेंट्स नहीं है, कहीं कोई दिक्कत है, तो उसके ऊपर भी हम काम करेंगे। और शहर की जहाँ तक मैं बात करूँ, सौंदर्यकरण के लिए हम काम करेंगे। मैम, ये चीजें तो अभी भी की जा सकती है क्योंकि सरकार तो अभी भी आपकी है, पिछले 5 साल से पानी की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की। नहीं, इसके क्या लिए विधायक दूसरे हैं तो ये दिक्कत आ रही है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं है, विधायक दूसरे, अगर वो बात उठाते तो वो भी बात बन जाती। और जहाँ तक मेरी बात है तो हम ये बात हम भी उठा रहे हैं, लेकिन जितना आप एक एमएलए बन करके आप डायरेक्ट सीधा जा करके वहाँ बात कर सकते, इतना फर्क रहता है उस बात का, वो तो फर्क रहता है। अगर बिना एमएलए के ही अगर आप सारे ही काम करवाए तो फिर तो एमएलए की जरूरत ही ना हो। अपना रोहतक, झज्जर और सोनीपत जिले को मुख्यतः भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है, ना कि कांग्रेस का। हुड्डा के गढ़ के नाम से इसको लोग जानते हैं। क्या फिर से चौधर का नारा यहाँ असर कर पाएगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए? देखिए, अब कांग्रेस पार्टी भी एक बार लगभग खत्म हो चुकी है, और कांग्रेस के साथ साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो गढ़ जो कहा करते थे पहले, वो एक परिवार की उनकी मतलब चौधर थी और किसी की चौधर नहीं थी, तो वो तो गढ़ कब का टूट चुका है। जब दीपेंद्र हुड्डा खुद हार गया तो गढ़ तो वो अपने आप ही टूट गया, गढ़ था भी नहीं। उन्होंने केवल एक बात फैलाई हुई थी कि चौधर आपकी चौधर है, ये गढ़ है, वो तो सब कुछ टूट चुका है। अब तो विपक्ष नाम की चीज़ ही नहीं बची, केवल बीजेपी ही बीजेपी है। हरियाणा में मैडम जी प्रमुख रूप से 4 लाल मुख्यमंत्री जी हुए, एक चौधरी बंसीलाल, उनके साथ आपने काम किया, आप उनके मंत्रिमंडल में मंत्री रही, विकास पुरुष के नाम से जाना जाता था, एक चौधरी देवीलाल, जननायक के नाम से उनको जाना जाता था, उनके साथ भी आपने काम किया, भजनलाल जी के साथ आप शायद नहीं रह पाए, काम नहीं कर पाए, अब चौथे लाल मनोहर लाल जी, तो एक जननायक थे, एक लाल, एक विकास पुरुष थे, मनोहर लाल जी को क्या संज्ञा देना चाहिए? ईमानदार मुख्यमंत्री, सबसे ज़्यादा विकासशील और ईमानदार मुख्यमंत्री, कि हर जगह मतलब ईमानदार, तो एक हम ही नहीं बल्कि एक गांव का छोटे से छोटा आदमी, आप किसी भी जहां 5 आदमी बैठे, अगर आप वहाँ मनोहर लाल जी का हमारे माननीय मुख्यमंत्री जिक्र करेंगे तो वो कहेंगे भी सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री जो है हमारे मनोहर लाल जी हैं, और सबका बराबर तौर पर, सबका साथ, सबका विकास, इस तर्ज पर वो हर जगह का। क्या व्यक्तिगत ईमानदारी है, पार्टी भी ईमानदार है मैडम? व्यक्तिगत भी है और पार्टी भी है, दोनों, बिल्कुल दोनों है। अभी मैडम एक घोटाला सामने आया है दादरी की तरफ, खनन घोटाला, आरटीओ घोटाला, बड़ा जिक्र चल रहा है इस चीज का, पकड़े गए हैं, सोशल मीडिया में भी, प्रिंट मीडिया में भी, हर मीडिया में वो मामला उछला है। उसमें शायद लगता है कि कुछ राजनेताओं का, बीजेपी के नेताओं का भी हाथ है, उनको बचाया जा रहा है, अफसरों पर गाज गिरती जा रही है। नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है। हमारी पार्टी में जो भी एमएलए मुख्यमंत्री हैं, सारे अपना ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और इसमें भी किसी की कोई संलिप्तता नहीं है। अगर जो भी कोई जो अधिकारी है, जो नीचे जो भी है, उनको कानूनी तौर पर जो कार्रवाई उनको उचित होगा, लेकिन एमएलए मंत्री कोई ऐसा कोई घोटाले में कोई इनको नहीं है। जी मैडम, आप एक बात बताइए कि बीजेपी सरकार एक बात कहती है कि ना पर्ची ना खर्ची, कि नौकरी हम मेरिट पर देंगे, तबादला के ऊपर एक नीति बना दी जो काफी सराहनीय है, तो जनता मुख्यतः राजनीतिक आदमी के पास दो कामों के लिए जाती है, एक नौकरी के लिए, एक तबादले के लिए, तो फिर दोनों चीज अपनी ईमानदारी से अपने आप हो रही है, तो फिर राजनेताओं के चक्कर जनता क्यों लगाए? वो देखिए इस ढंग से कि भाई ये आपने ठीक कहा, हमारी सरकार में जो है ना कोई पर्ची है ना कोई खर्ची है, ईमानदारी से काम हो रहा है। और जहाँ तक पास राजनेता के पास आने की बात, तो जनता अपने आप उसको ये है कि भाई यहाँ कोई खर्ची पर्ची नहीं है, वो चाहती है कि हमारी ये सरकार बार बार आए, चाहे नेता के चक्कर में, ये जनता, ये सरकार बार बार आए, इसलिए जो है वो जनता के, नेताओं के पास भी चल जाती है कि भाई आप इसको छोड़ना मत, बिल्कुल हमारी सरकार दोबारा से चाहिए, तो इसलिए जो वो नेताओं के पास भी आती है,
और अपने सुख दुख के लिए माने जाने लगा रहता है, कोई छोटे मोटा काम होता है उसके लिए आते भी हैं। सर सर एक बार एक मिनट, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की टिकट तो गीता भुक्कल को जाएगी और कांता देवी का एक महिला होना इनकी दावेदारी को शायद बराबर में खड़ा करता है, लगता है क्या आपको महिला के मुकाबले एक महिला मामला है? हाँ, लेकिन फिर भी अगर हम देखते हैं तो टिकट के लिए मैडम कांता देवी का मजबूत दावा है, लोगों में इनका रसूख आज भी है, पीछे इन्होंने काम किए हैं, आज भी हम जब घूमते हैं तो लोगों के अंदर चर्चा बनी हुई है। और मुझे ये लगता है कि शायद झज्जर विधानसभा क्षेत्र का जो अगला चुनाव होगा कि वो दो सशक्त महिलाओं के बीच होगा, एक तरफ मैडम गीता भुक्कल होंगी और शायद एक तरफ मैडम कांता। ये एडवांटेज है शायद इनका, वो तो मिलता ही है राजनीति में, सीनियरिटी कहीं कहीं काउंट होती है। जी जी पूछिए पूछिए। और मैडम मेरा एक जैसे रोजगार की बात आती है, भारत की एक बड़ी विश्वसनीय एजेंसी है जो साल में 4 महीने के बाद 3 बार अपने आंकड़े पेश करती है, बेरोजगारी की दर अगर हम देश में देखते हैं तो 6.9 यानी कि आप 7% उसको मान करके चले, उसके विपरीत अगर हरियाणा प्रदेश के हम देखें हैं तो वो 20 यानी कि 3 गुना सेंटर के बेरोजगारी आंकड़ों से ज़्यादा प्रदेश में है। त्रिपुरा के बाद हरियाणा नंबर 2 पे पूरे देश के अंदर है। तो बार बार CM साहब कह रहे हैं कि हमने इतने लोगों को रोजगार दे दिया, तो फिर भी बेरोजगारी में हरियाणा स्टेट में त्रिपुरा के बाद नंबर 2 पे क्यों? देखिए जितनी पिछली सरकारों ने नौकरियां दी है उससे ज़्यादा हमारी सरकार ने नौकरी दी है। और जहाँ तक बेरोजगारी की बात है तो हर आज के दिन एक युवा की हर किसी की एक मेंटलिटी ये बनी हुई है कि हम कोई अपना प्राइवेट बिजनेस न करके हमें सरकारी नौकरी मिले, हर कोई सरकारी नौकरी चाहता है। ये तो आपको मालूम है कि हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती, लेकिन फिर भी उसके लिए जो है ये उद्योग धंधे जो हैं छोटे मोटे हैं इनके लिए लोन वगैरह का भी और इस तरह करके प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर है या कोई अपना बिजनेस है। और एक जो कौशल यूनिवर्सिटी के नाम से फरीदाबाद ने खोला है ताकि लोग अपना जैसे प्लम्बर का है, इलेक्ट्रिशियन का, इस तरह से काम करके अपना स्किल डेवलपमेंट के, तो इस ढंग से अनेक करके सरकारी नौकरी के साथ साथ लोग अपने पर्सनल खुद भी अपना काम करें और खुद के साथ साथ 4-5 आदमी को और भी उनके साथ रोजगार दे, रोजगार दे, खुद ही रोजगार देने वाले रोजगार दे। तो PM की बड़ी अच्छी योजना है। देखो कोई भी हो, कोई भी सरकार हो, हर किसी को तो सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, लेकिन ये पक्का है कि जो पिछली सरकारों में जो नौकरियां दी उससे ज्यादा हमारी सरकार में 5 साल में युवाओं को रोजगार। मेरा अंतिम प्रश्न है मैडम जी, बड़ा जरूरी प्रश्न है इलाके के हिसाब से, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इन 5 साल में भी प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार थी, भविष्य में अगले 5 साल के लिए प्रदेश के अंदर भी अगर भाजपा की सरकार आ जाती है तो क्या BJP सरकार में आपका झज्जर शहर मेट्रो सिटी कहलाएगा? इसके लिए जो है देखिए हम पूरी कोशिश करेंगे, आपने बहुत सही कहा, मेरे भी दिमाग में है ये बात कि अगर MLA हम बनते हैं तो केंद्र में भी अपनी सरकार है और यहाँ पर भी अपनी सरकार है, तो कोई ना कोई ऐसा तोहफा अवश्य हम सेंटर से लेकर के आएंगे जिससे लोगों को ये लगेगा कि केंद्र से हमें ये तोहफा मिला है। और जो मेट्रो की बात है तो वो मेट्रो तो हमारे नंबर 1 पर रहेगा क्योंकि भादुरगढ़ तक तो आ ही चुकी है और बाढ़साख तक का भी बात चल रही है, वहाँ भी हो जाएगा। उसके बाद हमारे कि झज्जर शहर में हमारा मेट्रो स्टेशन बने जिससे लोग यहीं से ही दिल्ली में अपने गाड़ियों से ना जाना पड़े और ट्रैफिक में ना फंसना पड़े, सीधा मेट्रो से ही। वैसे राठी सर ये आपको तो पता ही होगा, आप तो पुराने राजनीति में जानकार हो, झज्जर से शायद जो विधायक बनते हैं वो अक्सर मंत्री भी बनते हैं शायद, अभी तक तकरीबन जगह मिलती है ना मंत्री के बारे में ये रहा है, मैडम गीता भुक्कल के बारे में ये रहा है, अक्सर होता है ऐसा, वो तो पार्टी का संगठन का काम है उसके ऊपर नहीं, आंकड़ों की बात कर रहे हैं हम तो। चलो मैडम हम अपनी टीम की तरफ से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और परमपिता परमात्मा से दुआ करते हैं कि आप अपने पार्टी के, अपनी पार्टी के नेताओं के और झज्जर विधानसभा क्षेत्र की जनता के लोकप्रिय बने रहो, चहेते बने रहो। धन्यवाद धन्यवाद जी। तो ये थे मेरे साथ कांता देवी, और कांता देवी से जी हमने बारीकियों से सारी बात की चर्चा की है कि अगर पार्टी मौका देती है, जनता मौका देती है तो हमारे झज्जर जो विधानसभा क्षेत्र है उसके लिए क्या आपका विजन है, क्या क्या विकास कार्य आप कर पाओगे, तो उन्होंने उन चीज़ों पर बताया है कि पानी को लेकर है, शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर है, और बतौर एक MLA बन के शायद ज़्यादा लड़ाई है उन मुद्दों पर लड़ी जा सकती है। और मेट्रो को लेकर इन्होंने कहा जी ये सोचा भी है मैंने और ये सपना भी है कि हमारे झज्जर क्षेत्र को हम मेट्रो सिटी के तौर पर है वो
स्थापित कर पाए और तमाम पहलुओं पर इनसे चर्चा की है। अब ज्यादा दिन बचे नहीं है, अगर कांता देवी को टिकट मिलती है चुनाव प्रचार भी फिर धुआंधार होगा, वो अपडेट भी हम जनता को उनसे रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इस प्रोग्राम में केवल इतना ही, शुक्रिया।